दोस्तों आरसीबी और दिल्ली के मैच के दौरान हुए लास्ट ओवर के ड्रामे को कौन भुला पाएगा। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं WPL के आरसीबी और दिल्ली के मुकाबले की, जहां पर दोस्तों आरसीबी आखिरी ओवर के आखिरी बॉल पर हार गई, वो भी एक रन से। जी हां दोस्तों, दरअसल आरसीबी को आखिरी ओवर के दौरान 17 रन चाहिए होते हैं, जिसकी शुरुआत शानदार बैटिंग कर रही रिचा घोष करती है और पहले ही बॉल पर जेस जॉनसन को सिक्स लगा देती है, लेकिन अगली बॉल पर डॉट हो जाती है और तीसरी बॉल पर दो रन के चक्कर में रन आउट, और वहां अंपायर को ये चेक करना पड़ता है कि ये पिच किसने क्रॉस करा है। खैर, वहां पे रिचा बचती है और अगली बॉल पर दो रन। उसके बाद जब दो बॉल पर आठ रन चाहिए होता है, तब पहले तो उन्होंने सिक्स लगा दिया और ऐसे सबको लगा कि अब तो मैच आरसीबी की झोली में आ गया, लेकिन कहते हैं ना मैच का रिजल्ट आखिरी बॉल तक होता है, ठीक वैसा ही हुआ और रिचा आखिरी बॉल पर रन नहीं भाग पाई और आउट हो गई, और जहां वो जीत रहे थे वहीं पर आरसीबी एक बार फिर से हार गई। वैसे दोस्तों, क्या आपने ये वाक्या देखा था? हमें कमेंट करके जरूर से बताएं।